डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका मतलब इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टर्स इन द क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ थ्री नोन रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमारे पास फोर रेजिस्टर्स हैं, हमने उसको क्वाड्रिलेटरल की फोर आर्म्स पर ऐसे सेट किया हुआ है कि जो उसके जो डायगनल्स हैं उसमें एक के क्रॉस तो हमने सेल लगाई हुई है और दूसरे के क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाया है और उसमें एक कंडीशन लगाई हुई है, व्हेन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस देन देर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इसका जो सबसे बड़ा यूज़ होता है वो होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। वो निकलती है जैसे कि हमारे पास फोर रेजिस्टेंस हैं, इसमें से दो की वैल्यू तो होती है फिक्स और जो एक की वैल्यू होती है मतलब किसी भी चारों में से एक की वो होती है अननोन और जो लास्ट वाले की होती है वो होती है वेरिएबल। उसको हम सेट करके हम कंडीशन ला सकते हैं पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इसकी मदद से फिर हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके हैं, फर्स्ट इज दिस इज कॉल्ड नल मैथड, सेकेंड इज दिस मैथड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, थर्ड इज सेंसिटिविटी विल बी हाई व्हेन ऑल द रेजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्थ इज रेजिस्टेंस विल बी सेम इन एसी और डीसी, मतलब कि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है अगर वो एक्स ओम है तो वो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में एक्स ओम ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से इसके स्टेटमेंट, दोनों लॉ के स्टेटमेंट और इसके न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द करंट इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये दो लॉ हैं, सबसे पहला लॉ है KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो, मीन्स टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो, मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3-IN सम इज जीरो। इसमें जो करंट पॉइंट जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहे होंगे उनको लेंगे हम पॉजिटिव और जो उसको लीव करके जा रहे होंगे वो लेंगे हम नेगेटिव और फिर उनका सम करके इक्वल टू रख देंगे जीरो। ये KCL की मतलब किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मतलब सेकंड लॉ है KVL मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट इन अ क्लोज लूप इज जीरो, मींस टोटल EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट मींस प्रोडक्ट ऑफ I into R। और फिर जो उसमें हम साइन कन्वेंशन लेंगे मतलब जो हम उसको वोल्टेज को मतलब हम सर्किट में जब पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करेंगे तो अगर हम उसको करंट की डायरेक्शन में मेज़र करते हैं करंट के साथ साथ तो जो उसका वोल्टेज का मतलब वैल्यू होगी वो लेंगे हम पॉजिटिव और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो हम लेंगे नेगेटिव और जब हम EMF मेज़र करेंगे तो जो अगर हम सेल की पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड मूव कर रहे हैं तो उसको लेंगे हम नेगेटिव और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो उसको लेंगे हम पॉजिटिव। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसमें हमें I1 करंट को किसी भी मतलब या तो EMF या फिर रेजिस्टेंस या फिर करंट किसी की भी वैल्यू हमें दो की वैल्यू दी होगी और तीसरे की वैल्यू हमें निकालनी होगी। इसमें हमें मान लो करंट की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें करना है एक क्लोज लूप सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट किया एक लूप, मीन्स कौन सा वाला लूप, हम कोई सा भी कर सकते हैं बस वो क्लोज होना चाहिए। हमने सेलेक्ट किया ABMNA, इसमें जो हम मेज़र कर रहे हैं वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप वो हम करंट की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। सबसे पहले टोटल EMF, इसमें हमारे पास सिर्फ एक बैटरी है तो EMF टोटल EMF हो गया, उसका EMF है E1 इज इक्वल टू हम करंट की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे। I1 जा रही है R1 से तो I1 into R1 प्लस फिर I3 पास हो रही है R3 में से तो I3 into R3 प्लस जो I1 है वो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें से भी पास हो रही है तो I1 into small R1 हमें पास ये एक इक्वेशन आ गई। फिर हम सेकेंड लूप कंसिडर करते हैं BCDMB, इसमें हम फिर से दोबारा वही मेज़र करते हैं, इसमें जो हमारे पास बैटरी है उसका EMF है E2
और जो हम मेजर कर रहे हैं वो हम करंट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले जो आई टू है वो आर टू में से पास हो रही है, तो उसका वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई टू इंटू आर टू। सेकेंड इज जो आई थ्री है वो आर थ्री में से पास हो रही है, तो प्लस आई थ्री इंटू आर थ्री, फिर प्लस आई टू इंटू आर टू। मतलब जो आई टू है वो बैटरी के अंदर से पास हो रही है, उसका जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आर टू, मतलब स्मॉल आर टू। हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई, इनकी हेल्प से हम आई वन आई वन आई वन या फिर आई टू या फिर आर वन आर टू किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो इसके जो KCL है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ, वो होता है, वो बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो KVL है वो बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नेक्स्ट इज मीटर वायर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, ये क्या है? इट इज अ डिवाइस विच बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, इट इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर। मीन्स हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है, उससे हम किसी की भी वैल्यू, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसकी जो वैल्यू होगी, अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस, जो एस की वैल्यू होगी वो होगी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और जो एल होगा लेंथ ऑफ द स्केल, मतलब जहाँ पर नल पॉइंट आएगा, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है। और जो उसमें आर होगा, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स, मतलब जो रेजिस्टर बॉक्स होगा जिसमें से हमने जो रेजिस्टेंस निकालना होगा उसकी वैल्यू होगी आर। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके प्रिकॉशंस, इसमें जो है जो हम यूज़ करते हैं निक्रोम कॉन्स्टेंटन और यूरेका एक्स्ट्रा, हम ये वायर्स यूज़ करते हैं फॉर द मीटर वायर ब्रिज, बिकॉज जो ये वायर्स हैं इनका जो रेजिस्टिविटी है वो तो है हाई, लेकिन जो टेम्परेचर कोफिशेंट है वो है लो, तो ये मोर कंफर्ट होती है इस मीटर वायर ब्रिज में। सेकंड इज वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप इन इन दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज दे ऑफर लो रेजिस्टेंस। थर्ड इज दिस इज अनसुटेबल फॉर मेजरिंग द हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। और फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इस मीटर वायर ब्रिज की लिमिटेशन वो है, फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स आर नॉट टेकन इन द अकाउंट, दीज रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड इज द करंट शुड नॉट अलाउ टू फ्लो फॉर लॉन्ग टाइम। थर्ड इज द जोकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन द वायर। फोर्थ इज रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स इज सो चूजन सो डैट द नल पॉइंट इज ऑन द मिडल, इट विल गिव लो परसेंटेज एरर एंड द हाई एक्यूरेसी। मतलब कि अगर हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टर निकाल रहे हैं, अगर वो हम इस तरह का निकाल लें कि जो हमारा नल पॉइंट है वो कि वायर के मिड पॉइंट, लगभग मिड पॉइंट पर आए, तो उसमें जो परसेंटेज एरर होगा वो मिनिमम होगा, और जो एक हमारा आंसर आएगा वो मोर एक्यूरेट आएगा। लास्ट इज नल पॉइंट एट द मिडल मीन्स सेंसिटिविटी इज वेरी हाई, वो ये सेम पॉइंट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब जो हमारे पास आइडेंटिकल EMF वाली सेल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम जो सेल्स हैं हमारे पास, हम सीरीज में कब कंबाइन करेंगे, उसकी कंडीशन है वो है व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस देन वी ज्वाइन द आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। और जिसमें टोटल करंट की वैल्यू होगी वो होगी I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर इन विच एन इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ई इज EMF ऑफ वन सेल एंड आर इज द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन वी ज्वाइन द सेल्स, मतलब मीन्स आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। और उसमें जो टोटल करंट होगा वो होगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, मीन्स एन इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ई इज EMF ऑफ वन सेल एंड स्मॉल आर इज इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। थर्ड इज मिक्स ग्रुपिंग। अब हम मिक्स ग्रुपिंग कब करेंगे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो हम करेंगे मिक्स ग्रुपिंग। और उसका जो आई का फॉर्मूला होगा, इसमें करंट का फॉर्मूला होगा, वो होगा आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर इन विच एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ सेल्स और ई इज EMF ऑफ वन सेल एंड कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर इसमें एक नोट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें है इफ़ द पोलैरिटी ऑफ एन डैश सेल्स आउट ऑफ एन सेल्स आर रिवर्स देन द इक्विवेलेंट EMF विल बी। मतलब हमारे पास एन सेल्स थी, उस वो जो हमने ज्वाइन कर रखी थी, और उसमें जो एन डैश सेल्स थी हमने उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब उनको रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो उसमें जो इक्विवेलेंट EMF होगा, नया EMF होगा, उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है सिंपल वाला, वो है ई डैश इज इक्वल टू एन
माइनस टू एन डैश इन टू ई, इन विच ई डैश इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट ईएमएफ, और एन इज जो हमारे पास पहले सेल्स थी टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और एन डैश वो होंगी जिनकी पोलैरिटी हमने चेंज कर दी, और ई इज जो पहले हमारे पास ईएमएफ था, ये होगा हमारे पास ई डैश का फॉर्मूला। और अगर हमें करंट निकालनी है, करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन माइनस टू एन डैश इन टू ई अपॉन आर प्लस एन स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर, उसमें जो मतलब जो आर है वो दोनों ही कैपिटल हैं, और जो रेजिस्टेंस होगा वो जो पहले था वो और जो बाद में आएगा वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका सिंबल है स्मॉल आर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड इट्स यूनिट इज ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है यूनिट तो ओम ही होगी। मतलब इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस जो जो हमारे पास सेल या फिर बैटरी है उसके जो इंटरनली इंटरनली जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर इसके जो ये डिपेंड करता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स कंसंट्रेशन, सेकंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड इज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोड, मतलब हम जितना ज़्यादा इसको डिप करेंगे उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फोर्थ इज टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय वीम, इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज सर्किट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जो जब सेल है वो जब वर्किंग में होगी, मतलब जब हम उसका सर्किट में यूज करेंगे तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका नाम होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज ईएमएफ, इसका मतलब है जब भी जो सेल है वो वर्किंग में नहीं होगी, मतलब हम उसको यूज नहीं कर रहे होंगे, तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का उसको हम नाम देंगे ईएमएफ। और जो उसकी सेकेंड डेफिनेशन है वो है द वर्क डन बाय द सेल इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इज नोन एज इट्स ईएमएफ, और जिसका फॉर्मूला है वो है ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, और जो उसकी यूनिट है वो है वोल्ट, और जो इसमें मतलब एक पॉइंट है जो भी ईएमएफ होगा सेल का जो वो वर्किंग में नहीं होगी जो उसका ईएमएफ होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। और फिर नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वन ईएमएफ, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज नोन एज 1 ईएमएफ। फिर नेक्स्ट एक रिलेशन आता है बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, इसका रिलेशन है स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर इन विच स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ई इज ईएमएफ ऑफ द सेल वी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन अ करंट आई पास थ्रू इट फॉर अ टाइम टी देन द एनर्जी प्रोड्यूस इन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो उसका फॉर्मूला होगा जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला होगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल, क्योंकि एनर्जी की तो एक ही यूनिट होती है वो होती है जूल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर, इसका सिंबल है पी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, और जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और जिसकी यूनिट है वो है वॉट, और जो इसकी पावर की कमर्शियल यूनिट है वो है 1 किलोवाट आर, मतलब कि 3.6 × 10^6 जूल। फिर नेक्स्ट एक रिलेशन आता है पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो है पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसकी में इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशन इसके डेरिवेशन और इनसे न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका हम करते हैं, इट इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस विच कैन फर्स्ट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विद एक्यूरेसी, सेकेंड कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, थर्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस इट कैन बी यूज, और जो हम कंपेयर करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल्स वो हम किस फॉर्मूले से करेंगे, वो फॉर्मूला होगा ई1 अपॉन ई2 इज इक्वल टू एल1 अपॉन एल2 इन विच ई1 और ई2 तो हैं ईएमएफ ऑफ द सेल्स एंड एल1 एल2 हैं नल पॉइंट्स, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू एल1 अपॉन एल2 इंटू माइनस 1, और एल1 एल2 वही है इसमें नल पॉइंट्स।
फिर इसके आती है वर्किंग। वर्किंग मतलब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और फिर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाया हमने के, इसमें इन विच के की के का के की वैल्यू है के इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और फिर जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका मेथड है द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वायर्स ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड हैंस डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियो ग्रेडियंट मीन्स के। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, उसके कुछ ग्राफ्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फर्स्ट आता है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। सेकेंड इज फॉर इंसुलेटर्स के लिए, इंसुलेटर के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन थोड़े टेम्परेचर के बाद, मतलब थोड़ा इंटरसेप्ट के बाद, तो उसका ग्राफ सेकेंड वाला कुछ इस तरह है। थर्ड जो सेमी कंडक्टर होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक पाथ। एंड द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे ये एनसीईआरटी और ट्वेल्थ के सिलेबस में ये वाला टॉपिक है नहीं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो इस बार कंपार्टमेंट के पेपर में भी और 2013 में भी आया हुआ है, वैसे ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन इसको करते हैं हम। फर्स्ट इज अगर हम अनआइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में ज्वाइन करें तो उसका जो ईएमएफ टोटल ईएमएफ होगा सेल्स का, उसका फॉर्मूला होगा ई इक्वलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री डैश डैश टोटल नंबर ऑफ सेल्स का ईएमएफ। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल्स का उसका भी फॉर्मूला होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डैश डैश आर एन तक, मतलब जो टोटल सेल्स हमने लगाई हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर पैरेलल के लिए, मतलब हम जो अनआइडेंटिकल सेल्स हैं उनको हम अगर पैरेलल में ज्वाइन करें तो उसका जो फॉर्मूला होगा आर के लिए तो सिंपल ये होगा वन अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू डैश डैश टोटल नंबर ऑफ सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन जो ई इक्वलेंट का फॉर्मूला वो थोड़ा अलग होगा, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ही निकाल पाएंगे। उसका फॉर्मूला होगा ई इक्वलेंट इज इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू डैश 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 ई एन अपॉन आर एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स का ई एम एफ। इसमें मेनली जो जो पैरेलल में क्वेश्चन आता है वो आता है ज़्यादातर टू सेल्स के लिए, तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है टू सेल्स का ईएमएफ इक्वलेंट निकालने के लिए वो है ई इक्वलेंट इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इन विच ई वन एंड ई टू आर द ईएमएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेल एंड आर वन एंड आर टू आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल्स। सो ये तब चैप्टर थर्ड का पूरा रिवीजन। इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक हैं एक तो पोटेंशियोमीटर और किरचॉफ लॉ, इनमें से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आने हैं। थैंक यू।